Hello everyone, this is DS Nanda, PGT Economics. In this video, we are going to discuss how to calculate national income through value added method. Before we proceed further, you should know value added method is also known as production method or product method. Another thing which you have to keep in mind is the thing that before calculating national income through this method, we will calculate GDP at end. And third thing, this GDP at MP, yani ke gross domestic product and market price, is also known as gross value added at market price. So GVA at MP and GDP at MP both are one and same. अब आपको GDP at MP कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस चाहिए. मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल गिव यू GDP at MP. नाउ इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल, इट्स गुड. बट इफ इट इज नॉट गिवन, then you have to calculate first of all value of output. It is equal to sales plus change in stock. Suppose in the numerical he has given you only domestic sales, then you have to add exports also to arrive at the total sales. Exports means sales made by one country to the other countries of the world. So this will give value of total sales. In this we will add change in stock, that is the difference between closing stock and opening stock. When you do this, you will be arriving at value of output. Another thing which you need in the formula is intermediate consumption, means expenditure made on the purchase of raw material. Again same way, if domestic purchases are given, you have to add import also to get total intermediate consumption value. जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, value of output and intermediate consumption, तो इन दोनों का जो difference है value of output minus intermediate consumption, ये आपको देगा GDP at MP और GVA at MP. मैं फिर से बता दूँ, gross domestic product at market price and gross value added at market price, both are one and same. इसके बाद अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आप इस GDP at MP को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करोगे. अब ये कैसे करना है, वी सी इन अनदर स्लाइड. लेट्स हैव ए लुक. Here, this GDP at MP is given, means you have already calculated it. In order to arrive at national income, symbol for national income is NNP at FC, or you can say net national product at factor cost. This is national income. अब आपको ये दो तीन step follow करने हैं. सबसे पहले तो देखिए, आप यहाँ आपको जी दिया हुआ है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू गिवन है. ग्रॉस को इस एन में यानी कि नेट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करनी है. डेप्रिसिएशन के लिए हो सकता है वो न्यूमेरिकल में, आपको दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकता है, सी एफ सी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको ये याद रखना है. हो सकता है डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ ना करे, वो लिख दे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो डेप्रिसिएशन ही है, ये आपको याद रखना है. जब आप जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको एनडीपी एट एमपी मिलेगा, यानी कि नेट वैल्यू आपको मिल जाएगी. अब इस नेट वैल्यू में से ये है डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, बट यू नीड दिस एन, एन फॉर नेशनल. डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसमें प्लस करनी है, तो ये जो डी है ये एन में चेंज हो जाएगा.
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दो चीज़ों का डिफरेंस है। हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने विदेशों से एक साल में कितनी फैक्टर इनकम अर्न की, रिसीव की, और दूसरे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं यानी कि हमारे लिए जो फॉरनर्स हैं उन्होंने हमारे देश से कितनी फैक्टर इनकम अर्न की, मींस रिसीविंग और पेमेंट का डिफरेंस, रिसीव्ड बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट एंड पेड टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको प्लस करना है, यू विल बी गेटिंग एनएनपी एट एमपी। बट आपको नेशनल इनकम के लिए क्या चाहिए, एफसी, फैक्टर कॉस्ट, दिस इज मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनआईटी माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ना दी हो तो आप क्या कर सकते हो, सब्सिडी ऐड करनी है और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। ओके, सो जब आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो आप नेशनल इनकम की वैल्यू को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड और द प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपके लिए एक तो न्यूमेरिकल लिए हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं, ये सॉल्व किए हुए हैं, अब एक देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ उसने आपको कहा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, जब आप उसने सिर्फ आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला हुआ है तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट जी वी ए एट एम पी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट। सो जी वी ए एट एम पी विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, सेल्स लेनी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेल्स मीन्स टोटल सेल्स, यहाँ उसने डोमेस्टिक सेल नहीं बोला हुआ आपको, अगर डोमेस्टिक सेल बोलता तो हम एक्सपोर्ट को भी ऐड करते, यहाँ एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है ये एक्स्ट्रा दी हुई है, इसको इग्नोर करना है नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस, तो ये देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200। सो 800 सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, 300 माइनस 100, 200 आ जाएगा, एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल वैल्यू इज गिवन, सो इग्नोर इंपोर्ट वैल्यू। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको दिया होता डोमेस्टिक परचेज्ड फ्रॉम विद इन योर ओन कंट्री, देन इंपोर्ट वैल्यू को ऐड करना पड़ता, यहाँ इंपोर्ट वैल्यू को भी आपको इग्नोर करना है। ओके, टेक ओनली दोज वैल्यूज विच यू नीड एज पर फार्मूला। सो वेन यू डू ऑल दिस यू विल बी गेटिंग जी वी ए एट एम पी मीन्स जी डी पी एट एम पी एट दिस इज 650। ओके, लेट्स हैव ए लुक एट अनदर न्यूमेरिकल, हेयर वी हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ओके, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, यहाँ देखो उसने आपको डोमेस्टिक सेल दिया है तो मतलब एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो आपके टोटल सेल कितने मिलेंगे, 900 प्लस 20, 920 टोटल सेल, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ओके, अब ग्रॉस वैल्यू एडिड के लिए क्या करोगे आप, 920 यानी कि सेल प्लस चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक कितना है यह देख लीजिए 150, सो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड के लिए, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, ये ना देखो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका इसमें गिवन है 270, ये 270 माइनस करना, सो ये हो गया आपका टोटल सेल 920, चेंज इन स्टॉक 150, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 270। जब आप ये करोगे तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस विल बी 800। अब इस ग्रॉस वैल्यू एडिड को आपने नेट वैल्यू एडिड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज उसने आपको कहा है नेट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 250 गिवन है, माइनस करेंगे यू विल बी गेटिंग 550 एज द फाइनल आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके,
फर्दर वन और टू न्यूमेरिकल मोर न्यूमेरिकल्स हैव बीन गिवन इन दिस वीडियो, यू ट्राई टू सॉल्व देम योरसेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच.